7 सितंबर को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 3 लेवल के डेडिकेटेड कोविड 19 अस्पताल के लोकार्पण के दौरान उपद्रव मचा रहे सपाइयों पर दर्ज किए गए मुकदमे के संबंध में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नगीना शाहनी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को एसएसपी आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की तथा सपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नगीना शाहनी के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष गीतांजलि देवी, पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश यादव, पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे, जिसके संबंध में पार्टी के जिलाध्यक्ष नगीना शाहनी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में कोविड अस्पताल के लोकार्पण के दौरान सपाइयों द्वारा खुशी का इजहार करते हुए मिठाई का वितरण किया जा रहा था। उसी दौरान पुलिस कर्मियों ने कार्यकर्ताओं पर बल प्रयोग कर दिया और जिससे कई सपाइयों के ऊपर चिलवाताल और गुलेरिया थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसको लेकर एसएसपी से मुलाकात की गई है। मुलाकात के दौरान एसएसपी ने जांच कराकर मामले पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने कहा, अभी परसों मेडिकल कॉलेज पर जब 500 बेड का जो हॉस्पिटल था उसमें 300 बेड कोरोना महामारी के लिए जो वार्ड के रूप में उसका उद्घाटन किया गया, तो हम लोग उसके क्रम में खुशी जाहिर करने के लिए, चूँकि वो समाजवादी सरकार के द्वारा बनवाया गया योजना था और समाजवादी सरकार के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने 500 बेड का हॉस्पिटल बनाने का काम किया था, उस दिन जब जनता को वो समर्पित किया गया तो हम लोग वहाँ पर मिठाई बांटने के लिए गए, खुशी का इजहार करने गए और माननीय अखिलेश यादव जी को हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करने गए हुए थे कि उनके नाते गोरखपुर जनपद में इतना बड़ा काम हुआ, तो हम गोरखपुरवासी वहाँ आभार प्रकट करने गए थे माननीय अखिलेश यादव जी का, मिठाई लेकर के गए थे और प्रजातांत्रिक तरीके से संवैधानिक तरीके से हम लोग मेडिकल कॉलेज गेट पर मिठाई बांटने का काम किए, लेकिन वहाँ के पुलिस वालों ने बर्बरतापूर्वक हम समाजवादियों के ऊपर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज करने के बाद आपने देखा होगा कि दो दो थाने में एफआईआर दर्ज किया जाता है, एक तो चिलुआ ताल में दर्ज किया जाता है, एक तो गुलरिया थाने में दर्ज किया जाता है। कोई भी मामला अगर एक घटना है तो एक थाने में दर्ज होना चाहिए और उसमें भी जो मुकदमा दर्ज किया गया ऐसी कोई घटना नहीं हुई। हम समाजवादी लोग शांतिमय तरीके से वहाँ जा करके मिठाई बांट रहे थे और माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति आभार प्रकट कर रहे थे कि बड़ा काम उन्होंने गोरखपुरवासियों के लिए किया है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस प्रशासन के लोगों ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया जिसमें हमारे तमाम साथियों के हाथ टूट गए, किसी का पैर टूट गया, बुरी तरीके से लोग घायल हुए और उसके बाद भी उस बर्बरता के बाद हम सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। तो आज हम लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर से मिल करके हम लोगों ने कहा है कि न्याय होना चाहिए, जो दोषी हो, जो दोषी पुलिसकर्मी जिन्होंने गलत तरीके से लाठीचार्ज किया, प्रजातांत्रिक तरीके से काम नहीं करने दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर के हम माननीय विधायक जी, जिला पंचायत अध्यक्ष और सभी हमारे प्रत्याशीगण और पूर्व अध्यक्ष जी के साथ हम लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिल करके अभी निकल रहे हैं। क्या आश्वासन मिला? जाँच हो, अब उन्होंने कहा कि जाँच करके हम न्याय करेंगे, जो सही होगा उसको करेंगे। समय फिक्स किए हैं? वो जल्द ही कहे हैं कि जल्द ही हम न्याय आप लोगों के साथ करेंगे जी, आश्वासन दिया है उन्होंने।